जिस वाघ नख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया था, आखिर वो वाघ नख भारत से लंदन कैसे पहुंच गया और अब उस विरासत को लंदन से वापस भारत लाए जाना कैसे संभव हुआ, चलिए जानते हैं। दरअसल साल 1659 में जब शिवाजी महाराज ने अफजल खान को वाघ नख से मार गिराया था, उसके बाद शिवाजी महाराज ने ये वाघ नख उस समय के पेशवा को दे दिया था। फिर साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स डफ को जब सतारा रियासत का एजेंट नियुक्त किया गया, उसी दौरान तत्कालीन पेशवा ने ये वाघ नख ब्रिटिश अधिकारी डफ को तोहफे में दे दिया था। और कुछ सालों बाद डफ के वंशजों ने इस वाघ नख को लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम को सौंप दिया और कुछ इस तरह से शिवाजी महाराज का वाघ नख भारत से इसमें भारतीय सेना की रिसर्च टीम को हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर 32 इंच लंबे और 14 इंच चौड़े बड़े बड़े पैरों के निशान मिले थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। हिमालय की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों ने यह दावा किया था कि ये पैरों के निशान एक विशाल काय येति के हैं और उन्होंने येति को देखा भी है। हैरानी की बात यह है कि साल 1995 में नेपाल के इलाकों में येती की खबरें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि नेपाल सरकार ने इस प्राणी के शिकार करने के लिए लोगों को लाइसेंस तक दे दिए थे। खास बात यह है कि इस प्राणी का वर्णन रामायण में भी मिलता है। रामायण में आधा भालू और आधा मानव शरीर धारण किए जामवंत जी का शरीर हूबहू येती से मेल खाता है और रामायण के अनुसार जामवंत ही एक अकेले ऐसे पात्र थे जो अपनी प्रजाति में अकेले जीवित बचे थे। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या सच में येती या यूं कहें कि जामवंत जी आज भी हिमालय की पहाड़ियों में जिंदा हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिसे हमें मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। उसमें से एक है वियतनाम के बाना हिल्स पे बना हुआ गोल्डन ब्रिज। क्या खास बात है इसकी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सोशल मीडिया पे फेमस इस गोल्डन ब्रिज को दो कंक्रीट के हाथों ने थामा हुआ है। पूरा का पूरा ब्रिज इन हाथों पे टिका हुआ है और लोग इसे ईश्वरीय हाथों का दर्जा दे रहे हैं। अभी तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जब ये कोरोना का संकट खत्म होगा तो मैं जरूर वियतनाम जाके इसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आप लोग कहां जाना चाहेंगे जरूर लिखिएगा। एक बार चार लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपये देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपये दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइज, इन सरदारों के लिए एक हाथ तो बनता है।